इंडियन क्रिकेट टीम की जानिब से फौजी कैप पहनने का मामला। वफाकी हुकूमत ने कौमी टीम को जवाबी इकदाम की हदायत कर दी। वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि PCB को इस मामले पर ICC से एहतजाज करना चाहिए। जबकि पाकिस्तानी टीम को अगले मैच में काली पट्टियां पहनकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम की मजम्मत करनी चाहिए। तफसीलात के मुताबिक वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी की जानिब से भारतीय क्रिकेट टीम के फौजी कैप पहनने के मामले पर शदीद रद्दे अमल सामने आया है। वफाकी वज़ीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का कहना है कि भारतीय क्रिकेट टीम की जानिब से जो कुछ आज किया गया है वो क्रिकेट का खेल नहीं है। वज़ीर इत्तला'आत ने PCB को हदायत की है कि वो ये मामला ICC के सामने उठाए। जबकि पाकिस्तानी टीम को हदायत की है कि अगले मैच में काली पट्टियां पहनकर मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के मुजालिम की मजम्मत की जाए। वाज़ह है कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम ईमेल में पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दिलवाने की कोशिश की, जिस पर उसे मुंह की खानी पड़ी। अहम ये शर्मिंदगी उठाने के बावजूद BCCI अब भी पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप 2019 में 16 जून को शेड्यूल मैच से भागने के लिए अपनी हुकूमत के पीछे छुपने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ मैच हुकूमती इजाज़त से मशरूत होगा। अब भारतीय क्रिकेट बोर्ड मोदी सरकार के इस जंगी जुनून को खेलों के मैदान में भी खींच लाई है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मैच से कबल खिलाड़ियों में फौजी टोपियाँ तकसीम की गई, जिसे पहनकर पूरी भारतीय टीम आज का मैच खेल रही थी। खेल के मैदान में जंगी जुनून लाने पर साबिक क्रिकेटर्स और माहिरीन की जानिब से भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर शदीद तनकीद की जा रही है और अब सबकी नज़रें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर जमी हुई हैं कि वो BCCI की इस हरकत पर कोई एक्शन लेती है या इसके डर से खामोश बैठी रहती है।